हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पुरानी टी शर्ट से बेबी कैप बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने पुरानी टी शर्ट ली है, जैसे हमारी कई बार टाइट हो जाती है, नई हमारी टी शर्ट पड़ी रहती है, तो उनको हम कैसे प्रयोग में लाएं। तो ये मैंने टी शर्ट ली है, इसको हम उल्टा रख लेंगे क्योंकि उल्टा पार्ट हमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसका नेक थोड़ा छोटा होता है पीछे का। यहाँ पर इस तरह मैंने उल्टा रख लिया है इसे, यहाँ हमारा जैसे सिलाई होती है यहाँ से हमें कट कर लेना है। दूसरी साइड भी ऐसे कट कर लेंगे कि ऊपर तक ऐसे कट करना है। बैक का पार्ट मैंने कट कर लिया है, इसी से हमारी कैप बन जाएगी। तो ये पीस है, इसे हमें इस तरह से यहाँ से 14 इंच लेना है, 14 इंच लेना है, और लंबे में हमें यहाँ से 16 इंच लेना है, यहाँ से भी 14 इंच लेना है। तो ये मैं मार्किंग कर दी है, इसी तरह कट कर लेंगे, कट कर लेना है क्योंकि सीधा हो जाएगा कपड़ा हमारा। तो यहाँ से भी कट कर लेंगे, चारों ओर से कट करके रेडी कर लेंगे कपड़े को। ये कपड़ा हमारा कट चुका है, यहाँ से 14 इंच है और इस साइड से 16 इंच है। तो इस पीस को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इसके बाद एक और फोल्ड लगा लेंगे। और ये फोल्डेड साइड है, ये भी फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से एक और फोल्ड लगाना है। इस तरह से ये फोल्ड हो गया कपड़ा, कपड़ा फोल्ड हो गया है, ये फोल्डेड साइडें हैं। इस तरह से मैं रख रही हूँ कपड़े को। इस कपड़े को मेजरमेंट कर लेना है, जितना है उसका हमें हाफ ले लेना है। तो यहाँ से हमें इसका सेंटर ले लेना है, इस तरह फोल्ड करके भी ले सकते हैं। तो ये सेंटर आ गया, इस साइड से लेना है 2.5 इंच और इस साइड से भी 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच। ये पॉइंट लग गए हैं, इन पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ ऐसे राउंड में इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से राउंड में मिलाने के बाद यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। तो कपड़ा थोड़ा मोटा है यहाँ से, तो थोड़ा इस तरह ध्यान से हमें कट करना है। ये कट हो गया, अब ये भी कट करेंगे। कपड़े हिलने नहीं चाहिए, इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद कपड़े को इसी तरह फिर से खोल लेना है, ये ऐसे मैंने खोल दिया। बहुत ही ईजी है ये कैप बनाना, इसको फिर से इस तरह से खोल लेंगे। कपड़े को इस तरह से खोल लेना है। अब ये फोल्ड है, इस फोल्ड को हमें इस फोल्ड के ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेना है, और ये दूसरा फोल्ड है, ये भी इस तरह से इसके ऊपर बराबर रख के फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जैसे ये राउंड है, इसका हमें हाफ लेना है, यहाँ पे हमारा हाफ आया था पहले भी, इस तरह से हाफ ले लेंगे। ये भी पीस है, यहाँ पर भी हमें हाफ लेना है और यहाँ पर भी। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये यहाँ से है हमारा हाफ आया है, तो इस साइड को हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है यहाँ तक, और ये साइड है यहाँ से भी यहाँ तक जितना कट लगा है सिलाई लगा देनी है। ये भी यहाँ से लगेगी, हाफ से ही लगानी है, और ये भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये चारों साइडों में सिलाई लगा दी है। अब जैसे ये होजरी का कपड़ा है, तो यहाँ पर सिलाई हमारी थोड़ी दिक्कत आती है लगाने में, तो जब हम सिलाई लगाते हैं तो इस तरह से हमें नीचे पेपर रख लेना है और तब सिलाई लगानी है, तो हमारी अच्छे से सिलाई आती है। तो इस पेपर को बाद में हमें इस तरह से निकाल देना है। इसके बाद ये सेंटर का हमारा पीस है, इसे हमें इस तरह से ऐसे कर लेना है, ये इस तरह से बन गया। अब हमें सिलाई लगानी है, तो जैसे ये दोनों को सभी को मिला लेना है, ये दोनों सिलाइयाँ इस तरह से मिल जाएंगी। यहाँ पर यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हम जैसे 2 इंच तक कपड़ा छोड़ लेंगे, यहाँ पर सिलाई नहीं लगेगी, बाकी सिलाई हमारी यहाँ तक पूरे में सिलाई लगेगी। तो इतना हम तब छोड़ेंगे क्योंकि इसे हमें सीधा करना है बाद में। तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, 2 इंच तक छोड़ लेंगे, बाकी सारी सिलाई यहाँ तक लगेगी और ये सिलाई यहाँ तक लगेगी। सिलाई लगा दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगी है, यहाँ मैंने छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ राउंड तक सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद ये प्लेस मैंने छोड़ा है, तो हमें कैप को सीधा करना है, यहाँ से सीधा कर लेंगे। कैप को मैंने सीधा कर दिया है, अब ये प्लेस है, यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलने के बाद अब देखिए, ये जो हमने कट लगाए थे इस तरह से बने हैं,
तो अब हम इसे डबल करेंगे। तो जैसे ये पीस है, इस पीस को हमें, क्योंकि यहाँ सिलाई लगी है तो ये अंदर रहेगा, तो इस पीस को इस पीस के साथ इस तरह से हमें अंदर को ले जाना है। कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, ये फोल्ड कर दिया। अब जैसे ये है हमारे, तो और ये दूसरा है, ये दोनों को मिला लेंगे यहाँ पे। ये इस तरह से कपड़े को मिला दिया। अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये हमारा निकल सकता है। तो यहाँ पर हमें एक स्टिच लगा लेना है, दोनों बराबर रखे हैं तो यहाँ पे जैसे ये देख लेना है, हमें बराबर आने चाहिए। इस तरह से नीडल को निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 3-4 स्टिच दे देने हैं, जिससे ये दोनों कपड़े हमारे सिल जाएंगे आपस में। तो ये अंदर से कपड़ा हमारा हिलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा दोनों एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर अच्छे से थोड़े हमें कर लेना है। ये स्टिच हो गया है, अब अंदर की साइड नीडल को लेना है और यहाँ पर हमें 2-3 यहाँ पे नोट लगा देने हैं, जिससे ये निकले ना। ये कैप का ऊपर की साइड ऐसे आएगी, यहाँ पर कुछ फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कैप बनी है। ये क्या है कि टी शर्ट का कपड़ा हमारा थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो इसकी फिटिंग हमारी बराबर आती है। दूसरा नॉर्मल कपड़े का भी हम बना सकते हैं, अगर स्वेटर है हमारे पास उसका भी हम बना सकते हैं इसी तरह से। अब इस कपड़े को थोड़ा सा हमें 1 इंच तक इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है, कपड़े को बाहर को, कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हम कोई ऐसे फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं, जिससे और भी अच्छा गेटअप आएगा इसका। तो यहाँ पर ये मैंने फ्लावर लिया है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर गम से या ऐसे सुई से मैं इसको सिल दूंगी यहाँ पर। ये फ्लावर मैंने लगा दिया है यहाँ पर, जैसे बाजार में रेडीमेड हमारे फ्लावर वगैरह कुछ मिलते हैं पैचेस, वो हम लगा सकते हैं। तो ये बना के मैंने लगाया है। इसको बनाना अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी। तो ये यहाँ से मेजरमेंट में अब 7 और 14 इंच हुई है। तो ये हमारे जैसे 6 महीने से लेके 1 साल के बेबी के लिए आराम से आ जाएगी कैप। तो इस कैप को हम जैसे छोटे या बड़े आदमी किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने जैसे मेजरमेंट लिया था 14 इंच, तो ये 14 इंच कैसे लिया था, जैसे हमारा हेड का राउंड होता है, किसी भी साइज का आपको बनाना है तो हेड का राउंड, अपने हेड का राउंड ले लें इस तरह से, जितना भी आएगा वो हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैप हमारी बनके रेडी हो गई है। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।